ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के हलका अध्यक्ष कृष्ण लाठर के भाई की मृत्यु पर परिजनों को सांत्वना देने के लिए जुलाना पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन अमीरों के प्रयोग होने वाले सामान के दाम प्रतिदिन कम हो रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि भाजपा पार्टी अमीरों के हित की तो सोच रखती है, लेकिन गरीब और किसानों के हित से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। सरकार हो तो बात करें, सरकार थोड़ा, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है, दोनों हाथों से देश की जनता को लूट के खा रहे हैं। कोई भी तो काम ठीक से नहीं हो रहा है, ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है, किसान को ना बीज मिलते हैं ना खाद मिलती है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है उसके तो दाम बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैक्टर पे डीजल है, गाड़ियों में डीजल है, ट्रकों में डीजल है, तो उनके दाम तो बढ़ते हैं। और हवाई जहाज में जो तेल चलता है वो सस्ता किए, क्योंकि उसमें उद्योगपति बड़े पूंजीपति लोग सफर कर रहे हैं। ये गरीब मारू सरकार। दो दिन पहले ही गैस के सिलेंडरों के रेट 1000 के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में गृहिणियों के ऊपर एक सीधा मार कही जा सकती है ये, तो क्या आपकी पार्टी इसके लिए कोई आवाज़ उठाएगी? पलट करके मैं ही आपसे एक बात पूछूं, कि थोड़ा सा अच्छा हमें भी सरकार बनाने का मौका मिला, क्या हमारे सरकार में यह सुविधाएं थी? सर, जैसे बेरोजगारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में बहुत सारे युवा जो 2 साल हो गए भर्ती हुए को, तो ऐसे में बहुत सारे युवाओं की उम्र निकल चुकी है, ये एक बड़ी लापरवाही सरकार की। सरकार बना लो, आपके सरकार बनने के बाद मैं हर पढ़े लिखे युवक हूँ, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे चमार है, धानक है, वाल्मीकि है, देवघर है, सदीक है, चाहे खाती, कुम्हार, लोहार, मनिहार, सुनार है, चाहे नाई, तेली, धोबी, मोची है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे लमिया है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है या नौकर है, हम सब पढ़े लिखे युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक। कांग्रेस में अध्यक्ष बदला है, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार लुटेरों का गिरोह है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहे, किसानों को बीज और खाद नहीं मिल रही, प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अगर इनेलो की सरकार बनी तो हर पढ़े लिखे युवा को रोजगार मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो। जुलाना से विजेंद्र बाबा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।